पुलिस ने अम्बाला की रहने वाली 6 साल की मासूम वैष्णवी के अपहरण और हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस इस मामले में 11वीं क्लास के छात्र को गिरफ्तार किया है। छात्र के घर से ही पुलिस को शव बरामद हुआ है। अम्बाला के गांव में रहने वाली वैष्णवी अब इस दुनिया में नहीं है। घर के बाहर खेल रही 6 साल की बच्ची का अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में 11वीं के छात्र को हिरासत में लिया है। लड़के ने बच्ची को अगवा करने के बाद पड़ोसी के फोन पर कॉल करके 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। परिवार से मिली सूचना के बाद पुलिस अलर्ट तो हुई, लेकिन बच्ची को नहीं बचा पाई, क्योंकि इससे पहले ही किडनैपर बच्ची को पानी में डुबोकर मार चुका था। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को कूलर में छुपा रखा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गांव बोह में रहने वाली वैष्णवी सिसिल कॉन्वेंट स्कूल में यूकेजी की छात्रा थी। बुधवार की शाम वो अपने चाचा विनय सूद को चाय देने गई थी। इसके बाद वो खेलने चली गई। इसी दौरान उसको किडनैप कर लिया गया। शाम 6 बजे तक बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। वैष्णवी के पिता अमित सूद ने पुलिस को सूचित भी किया। शाम 7 बजे अमित सूद के पड़ोसी के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसने फोन पर अमित की बेटी वैष्णवी को छोड़ने की एवज में 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पड़ोसी ने इस बात की जानकारी अमित को दी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि वैष्णवी के अगवा करने के बाद हत्या की साजिश कैंट के एक नामी एडिड स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं के स्टूडेंट ने रची थी। ये सब कुछ छात्र ने क्यों और किस लिए किया, अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी छात्र ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है, क्योंकि वारदात से पहले आरोपी की अपनी मां से पैसों को लेकर कहा सुनी हुई थी। मां ने पैसे ना देने की बात कहते हुए उसे डांट दिया था। इसी बात से नाराज होने के बाद आरोपी छात्र गुस्से में घर से बाहर निकला था। जिले के एसपी के मुताबिक किडनैपिंग के बाद फिरौती का कॉल आते ही पुलिस अलर्ट हो गई थी। तमाम जगह नाकेबंदी कर दी गई थी। सभी स्पेशल टीम और डीएसपी रैंक के अधिकारी किडनैपर्स का पीछा कर रहे थे, क्योंकि नंबर यूपी का था, इसलिए पुलिस देर रात तक साइबर सेल की मदद से ट्रैक करने में जुटी रही। आखिर में पुलिस जब उस नंबर तक पहुंची तो उन्हें किडनैपर मिल गया। अफसोस इस बात का है कि बच्ची को पानी में डुबोकर मारा जा चुका था और उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए बच्ची के शव को कूलर में छिपा दिया था। मामले में और कौन लोग शामिल हैं, इसे लेकर जांच चल रही है।